आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 5 दिवसीय यूपी इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो का आयोजन हो रहा है। ये आयोजन 23 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। वहीं इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। आपको बता दें कि आयोजन को PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा कराया जा रहा है। इस आयोजन को तीसरे दिन आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। वहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को खुद का व्यवसाय स्थापित करने की प्रेरणा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान हमारी संवाददाता ने सौरभ सान्याल से खास बातचीत किया है, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ मौजूद है श्री सौरभ सान्याल जी, तो आइए बात करते हैं कि आखिर इस प्रोग्राम का क्या मोटिव है और ये जो चल रहा है प्रोग्राम, ये कब से और कहां कहां अभी तक ये प्रोग्राम हुआ है? सौरभ सान्याल जी, ये जो प्रोग्राम आपने अभी किया, लॉन्च कर रहे हैं, कब से ये शुरू हुआ है और कहां कहां अभी तक है, क्या इसका मेन मोटिव क्या है? ये यूपीटेक्स जो है, इसका फुल फॉर्म है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो। ये हम लोग पंजाब स्टेट में 2008 से ये ट्रेड एक्सपो को कर रहे थे और हम 15 साल से कर रहे थे। तो इसके पॉपुलैरिटी इतनी हुई क्योंकि ये कंज्यूमर टू बिजनेस फेयर भी है, बिजनेस टू गवर्नमेंट फेयर भी है और कंज्यूमर टू कंज्यूमर फेयर भी है। इसमें लगभग 300 से 350 स्टॉल्स जो हमारे MSME भाई हैं या जो हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, सारे पार्टिसिपेट करते हैं। तो PhD चैम्बर ने ये तय किया कि हम इसके बाद यूपी में इस ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो को लेके जाएंगे और उसके बाद हम यूपी के बाद उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, हर जगह जहाँ पे आर्टिजन्स हैं और जहाँ पर MSMEs की तादाद बहुत ज़्यादा है, जैसे यूपी में 90 लाख MSMEs हैं यहाँ पर। तो इसके लिए ये प्लेटफॉर्म जो है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं। 23 तारीख को ये स्टार्ट हुआ और ये 27 तक रहेगा। आज सैटरडे है, आज और कल जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मैक्सिमम रश होगा। तो ये न केवल ये ट्रेड एक्सपो न केवल कंज्यूमर फेयर है जहाँ पर आम लोग जो सिटी के रहने वाले हैं या यूपी के रहने वाले हैं वो आकर के इस शो को देखते हैं। इसमें शाम को एंटरटेनमेंट प्रोग्राम भी होता है, फूड स्टॉल्स भी हैं जहाँ पर वो तरह तरह के स्टेट्स का खाना खाते हैं और पूरे एग्जीबिशन को देखते हैं जिसमें कंज्यूमर गुड्स भी हैं, फर्नीचर भी है, बड़े बड़े कजारियाज, MDH मसाले, देन और आपके वेल्व्स मैन्युफैक्चरर्स, जोलोटो मैक वेल्व मैन्युफैक्चरर्स, जो इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत पुरानी कंपनी है, 55 साल पुरानी, जो वाल्व्स के मास्टर हैं, जो वाटर सप्लाई के वाल्व्स बनाते हैं, जो ऑयल एंड गैस के वाल्व्स बनाते हैं, जो हाइड्रोजन गैस के वाल्व्स बनाते हैं, सब तरह के वाल्व्स के वो मास्टरी है उनकी, उन्होंने भी स्टॉल लिया हुआ है। और काफ़ी सारे गवर्नमेंट के भी स्टॉल्स हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के स्टॉल्स हैं। इसका उद्देश्य ये है, इसका मिशन जो है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्य योगी जी ने बोला कि हम यूपी स्टेट को $1 trillion इकोनॉमी बनाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले, पिछले कुछ दिन पहले इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था यूपी का। बट इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस, मीडियम एंटरप्राइजेस, जब उनकी वो ज़्यादा तादाद में है, जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ लार्ज एंटरप्राइजेस करते हैं, बड़े बड़े कंपनीज करती हैं, इंटरनेशनल कंपनीज करती है, वो इन्वेस्ट करती है, लेकिन जो ये हमारे जो लघु उद्योग के लोग हैं, व्यापारी हैं, ट्रेड्समैन हैं और आर्टिजन्स हैं, इनको बिना जोड़े क्योंकि किसी भी स्टेट में इतना बड़ा $1 trillion इकोनॉमी नहीं हो सकता है। तो यहाँ हमारे यूपीटेक्स का या यूपी इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो का ये ध्येय है, ये उद्देश्य है कि हम छोटे से छोटे कारीगर को, छोटे से छोटे हस्तशिल्प का जो में उस्ताद हैं, उन लोगों को, जो आर्टिजन्स हैं, उनको हम इंडस्ट्रियलिस्ट बनाएं। और यही एक तरीका है कि वो अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर सबको शोकेस करें और जो बड़े एंटरप्राइजेस हैं वो उन प्रोडक्ट्स को देखें, उनको ऑर्डर दें, जो इंटरनेशनल स्टॉल्स आए हुए हैं, जो इंटरनेशनल लोग आए हुए हैं, आपके थाईलैंड से, आपके अफगानिस्तान से और जम्मू कश्मीर के स्टॉल लगे हुए हैं,
वो लोग यहाँ पे आके देखें कि यहाँ क्या प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है यूपी में, और उनके साथ तालमेल करें और अपने स्टेट में उसको ले जाके बेचें। तो ये उद्देश्य है। तो इससे इसको अगर हम अगले 10 सालों तक ऐसे करते रहेंगे तो इस बार जो है हमारे जो फुटफॉल्स हुए हैं दो दिन में इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि एवरेज फुटफॉल 15,000 लोगों का रहा है, लेकिन फुटफॉल ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है आफ्टरनून के बाद, क्योंकि आफ्टरनून के बाद वो लोग यहाँ पर डिनर भी करते हैं और उसके बाद एंटरटेनमेंट प्रोग्राम भी देखते हैं, तो उनका ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है जिसमें कंज्यूमर की गुड्स बाइंग की भी होती है, वो सेल भी होती है और उसके साथ B2B भी होता है। गवर्नमेंट के भी हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी आए, मिस्टर ब्रजेश पाठक जी आए, पहले दिन उन्होंने इनॉग्रल किया और उन्होंने बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच दिया सारे MSMEs को जो यहाँ पे मौजूद थे। तो ये एक खास MSMEs के फ़ायदे की ये यूपी इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो है, जहाँ पर न केवल MSME जो MSME भाई हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं बल्कि जो सर्विसेज में भी हैं या जो आर्टिजन्स हैं उनको भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का या MSME बनने का ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। MSME जो कॉन्क्लेव कहाँ उत्तर प्रदेश के अलावा और कहाँ पे? पंजाब इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो जिसको हम लोग पाइटेक्स के नाम से जानते हैं, ये पिछले 15 साल से हम लोग कर रहे हैं PHDCCI के अम्ब्रेला में, हम लोग पिछले 15 साल से कर रहे हैं। इस साल ये दिसंबर के महीने में होता है और ये 5 दिन का होता है। तो इन 5 दिनों में वहाँ का जो टर्नओवर होता है लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा विजिटर आते हैं और लगभग 400 से 500 करोड़ का ऑर्डर बुकिंग्स होता है। सो ये जो है आज के डेट में ये एक इंटरनेशनल एक्सपो बन गया है जो कि अमृतसर में किया जाता है और पूरा पंजाब वहाँ पर एकत्रित होता है और स्टॉल्स जो हैं वो पूरे देश से और विदेशों से सारे स्टॉल्स वहाँ पर आते हैं। तो ये 15 साल के बाद ये एस्टेब्लिश हो गया है। उसी तरह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यूपी में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में और साउथ में, चेन्नई में, इन सब जगह हम करेंगे, क्योंकि PHD चैम्बर अभी 20 स्टेट्स को और 4 यूनियन टेरिटरीज़ में हमारे ऑफिसेज हैं, वहाँ के सारे लोगों को हम एक साथ जोड़ेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है कि इंडिया को $5 trillion इकोनॉमी बनाना है, जब सारे प्रदेशों के लोग $1 trillion बनाएंगे तो $5 trillion क्या, हम उसको $10 trillion तक ले जाएंगे। ये PHD चैम्बर का उद्देश्य है। तो सर, इसको आम जनता है उसको किस प्रकार से इससे बेनिफिट होगा, क्या कुछ ऐसा और आगे बताएंगे, मतलब किस तरह से उनके तहत ये पहुँच पाएगी? आम जनता के लिए ये इतना अच्छा एक एग्जीबिशन है। वहाँ यहाँ पर कपड़े हैं, यहाँ पर आपके फर्नीचर हैं, यहाँ के आपके होम के प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, यहाँ आपके मसाले हैं जो आपके आम मसाले जो आपके घर में आप इस्तेमाल करते हो, यहाँ पर आपको कंसेशनल रेट पे जो बाहर का प्राइस है, जो मार्केट का प्राइस है, उससे कम रेट में यहाँ के विक्रेता जो है आपको दे रहे हैं। तो आम जनता के लिए ये फ़ायदा है कि उनको देश विदेश का सामान एक ही अम्ब्रेला के नीचे सारा सामान मिल रहा है, एक ही जगह मिल रहा है और 4-5 दिन तक लगातार मिल रहा है और कंसेशनल रेट में मिल रहा है, ये उनके लिए फायदा है। फिलहाल हमारी खास प्रस्तुति में बस इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।